तेलंगाना में मुस्लिम मेजोरिटी ज़्यादा है तो वहाँ पे चीफ मिनिस्टर क्यों नहीं बनते हो? ठीक है, यहाँ पे लोगों को गुमराह करने के लिए, लोगों को इधर उधर की बातें करने के लिए, ठीक है, वन साइडेड मुस्लिम एक साइड करने के लिए आते हैं वो। ठीक है, यहाँ पे यूनाइटेड है, यूनिटी है और डाइवर्सिटी है। ठीक है, तो उसको बिगाड़ने का, माहौल बिगाड़ने का यहाँ पे काम नहीं चलेगा। छाई हुई है। कितना भी बड़ा जो है इसका वक्ता होगा, आप उसको मेरे सामने लाके खड़ा कर दो, 15-20 मिनट का उसका वक्ता होगा। अगर हिंदू मुसलमान की बात के बगैर अगर वो बात करेगा, 5 मिनट से ज्यादा बात नहीं कर सकता। अभी भाग्यवान दलित नेता कोई है नहीं, कोई पैदा होगा नहीं और कोई हुआ नहीं है। उसके सामने ये जो उतार है ना, AIMM का बंदा, वो करप्ट पत्रकार है। आम आदमी पार्टी का क्या माहौल है यहाँ पे? अगर आम आदमी पार्टी का इतना माहौल नहीं है जितना कांग्रेस का है। अच्छा। वो भाजपा के ही पल्लू है, भाजपा के सब दूसरा पक्ष ये समझ लो। अच्छा। इसलिए यहाँ उसको कोई कैंडिडेट नहीं देगा, कोई वोट नहीं देगा। अच्छा, आपने कहा, मैं ये तो देख रही हूँ कि जैसे आम आदमी पार्टी पे अभी ये जो ब्लू ये वाले भैया खड़े थे तो वो कह रहे थे कि जो है क्या कहते हैं आपके शहरों में जो है वो आम आदमी पार्टी अपना करिश्मा दिखा रही है। क्यों? वो माहौल दिखा रही है। मैं खुद दिल्ली से हूँ, मुझे पता है दिल्ली में फ्री की सरकार है, फ्री बिजली मिलती है, मेरा कोई भी बिल नहीं आता। अच्छा, तो इसलिए माहौल बना दे फ्री में रहने का, फ्री में सब कुछ करने का, इसलिए थोड़े से पब्लिक ज्वाइंट होने की सोच रही है। बाकी कांग्रेस गुजरात में कांग्रेस के अलावा कोई नहीं आएगी। अच्छा, मतलब आप कह रहे हैं कि केजरीवाल जो हैं वो फ्री की राजनीति करते हैं और गुजरात में क्या फ्री की राजनीति चल जाएगी क्या? फ्री में मेरी इंडस्ट्री है, खुद दिल्ली में है, दिल्ली में महंगाई इंडस्ट्री का रेट बढ़ा दिया, बिजली का घरों का बिजली का बिल माफ कर दिया, वो वहाँ से वहाँ कन्वर्ट कर दिया, बाकी महंगाई वहीं की वहीं है। लीजिए, ये थोड़ा सा दूर हट जाइए ना कैमरे से, थोड़ा कैमरे से दूर हट जाइए, बस हाँ, अब बात करेंगे। देखिए, इन्होंने ये जो इंडस्ट्री, आपका काम है, मतलब दिल्ली में काम है, इनका दिल्ली में काम है और आपका नाम गुजरात में भी काम, नाम क्या बताया? रफीक दावड़ा इनका नाम है, मुस्लिम समुदाय से आप आते हैं। तो अब इनसे हम जानेंगे कि जो दिल्ली में केजरीवाल जी की सरकार है और जो गुजरात में वो दावा कर रहे हैं कि वो सरकार बनाने जा रहे हैं, लोग उनको बड़ा समर्थन दे रहे हैं, तो आइए चलिए इनसे दिलचस्प बातें करते हैं। तो आप जैसे दिल्ली में जब रहते हैं, ठीक, और वैसे ही वो दावे यहाँ पे कहते हैं कि वो दिल्ली वाला मॉडल जो है केजरीवाल यहाँ पे लाएंगे, क्या उसको मंजूर है आपको? नहीं, 2003 से मैं दिल्ली में गया हूँ, 2003 से जो शीला दीक्षित ने विकास किया दिल्ली का, उससे पहले मैं रूटिंग रहता था, जाता जाता रहता था दिल्ली में। 2003 से आज की डेट में मेरी प्रॉपर फैक्ट्री है, खुद की अपनी फैक्ट्री है, खुद का अपना मकान है। जो शीला दीक्षित ने कांग्रेस के टाइम में विकास किया, आज तक किसी सरकार ने नहीं किया। वहाँ मैं गया था जब बीजेपी की सरकार थी 2002 में, उसके बाद 2004 से जब शीला दीक्षित की सरकार आई, ऐसा विकास आज तक नहीं हुआ। पुल का काम विकास, रोड का काम, बिजली का काम, सब कुछ विकास शीला दीक्षित। दिल्ली जी तो केजरीवाल जी कहते हैं कि मैंने तो दिल्ली को चमका दिया है एकदम। कुछ नहीं, फ्री वाली की है। हाँ ठीक है, दवा खाने का, स्कूल का काम उन्होंने अच्छा किया, वो तारीफ में काबिल है। गुजराती जो यहाँ पे मुस्लिम भाई, यहाँ पे जितने भी मैं देख रही हूँ कि ज्यादातर मुस्लिम भाई हैं, तो क्या यहाँ पे जो गुजराती मुसलमान है वो केजरीवाल को एक्सेप्ट करने वाला है क्या? नहीं, गुजरात में नहीं करेंगे, गुजरात में नहीं करेंगे। गुजरात में किसकी सरकार आ रही है? गुजरात में कांग्रेस की। कांग्रेस क्यों? कांग्रेस की सरकार आ रही है, क्या कारण है कांग्रेस की सरकार आने का? मुगवारी बड़ी है। केजरीवाल जी के बारे में क्या कहना है? केजरीवाल तो नई पार्टी है, इसका भरोसा कोई करता है नहीं। पूरी बी टीम है, बी टीम है, वो भी भाजपा की। ओवैसी जी की तरह क्या? जी हाँ, ओवैसी की तरह। हाँ, अच्छा, किन बातों पे आप कह रहे हैं कि केजरीवाल जो है वो भाजपा के बी टीम है, किन बातों पे? जिस भाजपा ने जो है बिल्किस बानू के जो रेपिस्ट थे, इनको जो छोड़ा है, इनके ऊपर बाकायदा जो है कुछ कई लोगों ने जो है इनको अपनी सभा के अंदर कहा कि आपने बिल्किस बानू के बारे में आपने क्यों सवाल नहीं उठाया, तो उस वक्त जो है इनके जो कार्यकर्ता थे मनीष सिसोदिया जी, जो डिप्टी CM हैं, इन्होंने कहा ये हमारा मसला नहीं है, बिल्किस बानू हमारा कोई स्टेज नहीं है। तो ये भाजपा की बी टीम है ये। हाँ, विचारधारा इनकी जो है RSS और BJP की है, और हमें तो हिंदुस्तान के अंदर वो सरकार चाहिए जो है सबको साथ लेकर चले। अच्छा, ये तो आपने एक मुद्दा बताया कि इस वजह से मैं उनको बी टीम मानता हूँ कि बिल्किस बानो का मुद्दा नहीं उठाया। हाँ। और मनीष सिसोदिया जी ने खुले मंच पे जो कहा था कि ये हमारा स्टेज नहीं है, हमारी बात नहीं है। हाँ। दूसरी कौन सी बात जिसकी वजह से बी टीम है? वही है एक जो चल रहा है अभी, जिसके ऊपर पूरा हिंदुस्तान अभी परेशान है, क्योंकि जहां पर भी जाते हैं अपनी सरकार को बनाने के लिए BJP जो है हिंदू मुसलमान करके सबको जो है अलग बांट देते हैं और सबको लड़ाकर अपनी जो है सरकार बनाते हैं। इसी सबसे बड़ा जो है हिंदुस्तान अभी जो टूट चुका है, ये इसी बिना पर टूट चुका है। जिन अंग्रेज़ों से जो है हिंदुस्तान को आज़ाद कराया था, जो गोरे अंग्रेज़ों ने
जो है इसके ऊपर कब्जा जमाया था और गोरे अंग्रेजों से जो है पूरे हिंदुस्तान के जो है लोगों ने हिंदुस्तान को छुड़ाया था और आज़ाद कराया था। आज जो है काले अंग्रेजों ने उसके ऊपर जो है अड्डा जमाया है, इसी से हम लोग जो है आज़ाद होना चाहते हैं। काले अंग्रेज किसको कह रहे हैं भैया? जो आज जो अपने आप को जो है अपने आप को यहाँ का हुक्मरान जो है समझते हैं और अपनी तानाशाही जो अपनी मोदी जी को कह रहे हैं, मोदी जी को उनकी पूरी जो है जो सत्ता जो चला रहे हैं, मोदी जी अकेली सत्ता नहीं है, मोदी जो प्राइम मिनिस्टर पूरी सत्ता जो है उसी को हम काले अंग्रेज बोल रहे हैं। एक बात बताइए, अगर मान लीजिए केजरीवाल यहाँ पे पूरा फाइट करे, मैं आपसे ही बात करूंगी अंकल जी, यहाँ पे केजरीवाल फाइट करे तो नुकसान यहाँ पे किस कौन सी पार्टी को होने वाला है? मान लीजिए मुस्लिम समुदाय का वो वोट जो है वो अट्रैक्ट कर रहे हैं, वो सब कर रहे हैं, तो कौन से समुदाय को आपको लगता है कौन सी पार्टी को नुकसान होने वाला है? नुकसान तो जो है कांग्रेस को ही होने वाला है, क्योंकि केजरीवाल के जितने भी सपोर्टकर्ता जितने भी गए हैं लगातार जो है वो कांग्रेस से जो बिलोंग करते थे वहीं इनसे जुड़े हुए हैं, तो नुकसान तो कांग्रेस को ही होगा। अच्छा, तो जितना तेज मतलब अगर केजरीवाल लड़ते हैं तो कांग्रेस को उतना घाटा होगा? हाँ, इतना कांग्रेस को ही घाटा हो रहा है। अच्छा, आपको क्या लगता है कि कितनी सीटें जो है वो केजरीवाल जो है पूरे गुजरात में, क्योंकि मैंने एक आदमी से पूछा था तो उन्होंने 5 से 6 सीटें इनकी आएगी, बाकी जो है 130 या 35 सीटों पे जो है कांग्रेस अपनी सरकार बना रही है। अच्छा, आप कह रहे हैं 135 या फिर 30 सीटें कह रहे हैं, भाजपा वाले 150 कह रहे हैं, तो मतलब कैसे? भाजपा वाले तो 180 बोल रहे हैं, वो तो ये तो क्या करेंगे, भाजपा वाले तो 180 ले रहे हैं। भाजपा वालों से परेशानी क्या क्या है, जरा चार मुझे बातें बता दीजिए, सरकार से क्या क्या परेशानी? सबसे बड़ी परेशानी तो हमारे गुजरात के अंदर मोरबी के अंदर अभी जो पुल टूटा था, पुल के अंदर 140-145 के करीब जो है जाने गवाही हैं, जो हमारे मोदी साहब जो हैं इनके जो है हर जगह पे इनके जो है प्रोग्राम चालू थे और उसी प्रोग्राम के दरमियान 2 मरतबा इन्होंने सूट और बूट बदले हैं और वहाँ पर चीखें उड़ रही थी और जो जवान लड़कियाँ बेवा हुई हैं, कई लड़कियाँ अपनी शादी रचा रही थी, वहाँ पर इनके दूल्हे चले गए हैं और वहाँ पर हमारे प्राइम मिनिस्टर जो है इनको आने के लिए जो वक्त नहीं था, दूसरे दिन मोरबी का जो है वहीं सरकारी हॉस्पिटल जो है रंग रोगन चला जैसे जो है वहाँ किसी की शादी जो तय हो रही हो। क्या लगता है मोरबी का जो ये कांड हुआ है, हाँ, ये मोरबी के अंदर, क्योंकि मैं भी गई मोरबी और मैंने मोरबी के MLA और जो MP वहाँ पे बने हैं, मैंने उनका निकालने का ब्यौरा निकालने का कोशिश किया तो मैंने ये देखा कि वहाँ पे पटेल समुदाय के ज़्यादातर लोग हैं, हाँ, तो क्या लगता है कि पटेल वहाँ पे समुदाय के लोग रहते हैं ज़्यादा, हाँ, तो क्या मोरबी का जो कांड है वो वहाँ पे इलेक्शन के टाइम पे असर करेगा क्या पटेलों? 110% कर सकता है और करेगा, क्योंकि जो है जो पहले मोरबी के अंदर जो है उस वक्त कांग्रेस के हाथ में जब ये पुल था उस वक्त उन्होंने पुल को बंद कर दिया था, कई सालों से जो है 100 साल कई सालों पुराना ब्रिज था वो बंद कर दिया कांग्रेस ने और जो है जैसे ही जो ये भाजपा सरकार बैठी है और जो ये चूंटनी जो आ गई तो जो है पैसा बटोरने के लिए जो उस पुल को चालू कर दिया, अगर पुल का जो मरम्मत का काम ऑन रिकॉर्ड नहीं है कहीं पर भी, हम सरकार से सवाल करना चाहते हैं, हमें आप ऑन रिकॉर्ड तो बताएं क्या आपने ये जो है मुद्दा, देखिए मोरबी वाला जो मुद्दा है वो यहाँ के जो बनासकांठा के जो लोग हैं वो यहाँ पे मुद्दा उठा रहे हैं। अच्छा, एक और, मैं आप कभी दिल्ली गए घूमने? दिल्ली गए? दिल्ली कई मरतबा जा चुका हूँ। कैसा लगता है दिल्ली में जाकर? दिल्ली में ठीक है, दिल्ली में कैसा लगता है? दिल्ली में ठीक है, लेकिन जो है वहाँ का जो प्रदूषण है, हाँ, और जो है कुछ एरिया ही ऐसे हैं, हाँ, जो ठीक लगते हैं जो घूमने के लिए, अच्छा, जैसे जो है हमारे गुजरात में कहीं बाहर से कोई बड़ा, जैसे हमारे जो है अमेरिका के राष्ट्रपति आए थे तो हर जगह पे जो है पर्दे लगा दिए गए थे ताकि जो है गरीब पब्लिक जो दिख ना पाए, हाँ, जो है दिल्ली का भाई वही हाल बना चुके हैं, दिल्ली का वही हाल बना चुके हैं। दिल्ली के वो यहाँ पे पूरे दमखम के साथ कह रहे हैं कि जी हम तो फाइट में हैं। तो मैं लोगों से पूछना चाहती हूँ कि वो कितने फाइट में है। अभी मैं बीजेपी की भी सरकार बातें पूछूंगी आपसे, लेकिन पहले केजरीवाल जी पे बात करें। फाइट के अंदर 5 से 6 सीटें लाएगी, इससे ज्यादा इनकी सीटें नहीं आने वाली। कैसे, किन मुद्दों पे जो है वो केजरीवाल 5 से 7 सीटें जो है गुजरात के अंदर ला सकते हैं? कांग्रेस मुद्दे इनके जो है जो इन्होंने बताया है सोशल मीडिया के अंदर, हम ये करेंगे वो करेंगे, इन्होंने जो वचन दिए हैं इसके हिसाब से 4-5 सीटें अगर इनके आ सकती हैं। इसके अलावा कांग्रेस जो सरकार जो है ये पूरे हिंदुस्तान, जब से हिंदुस्तान आज़ाद हुआ तब से लेकर जो कांग्रेस ने अपनी सरकार बनाई है, पूरा जो फैसिलिटीज़ जो है कांग्रेस सरकार ने दी है, कांग्रेस सरकार का जो है अंदर का इनका मिशन ये था कि हम जो है ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को जो है फ्री में सर्विसें दें।
एक और बात बताइए भैया, जैसे फिर आ रही हूँ अंकल जी आपके पास मैं दोबारा से, ये क्या कहते हैं कि कांग्रेस जो है वो दो स्टेट में सिमट के रह गई है, क्या कारण मानते हैं ये दो स्टेट में सिमटने का? कांग्रेस जो है दो स्टेटों के अंदर जो सिमटी है, इसका जो है डंका बजा करता था कांग्रेस, गुजरात में भी जो है मोदी जी के आने से पहले डंका बजा करता था, क्यों सिमट गई है कांग्रेस? तो हमारी जो है हमारे आप जो हैं किसी भी जो अपने आप को जो है सियासतदान जो कह रहे हैं, अपने आप को यूं कह रहे हैं हम कांग्रेस को जो है इस धरती से मिटा देंगे, जो पक्ष अपने आप को जो बीजेपी है इसको आप कहें कि आप जो है हिंदू मुस्लिम करना छोड़ दें, इसके बाद जो है आप एक 10 सीट ला के मुझे बताओ। मतलब आप ये कह रहे हैं कि बीजेपी हिंदू मुसलमान करके जो है वो वोट जो है ले रही है और सब जगह पूरे देश में छाई हुई है। कितना भी बड़ा जो है इसका वक्ता होगा, आप उसको मेरे सामने लाके खड़ा कर दो, 15-20 मिनट का उसका वक्ता होगा, अगर हिंदू मुसलमान की बात के बगैर अगर वो बात करेगा 5 मिनट से ज्यादा बात नहीं कर सकता। अच्छा, अभी हाँ, अब मैं काका के पास आती हूँ, खड़े रहिएगा काका अभी, क्योंकि आप बात कर रहे थे तो वो भी खड़े रहे थे। नाम बताइए आपका? यासीन बंगला वाला। अच्छा, यासीन बंगला वाला। तो इस बार अगर मैं पूछूं, केजरीवाल जो है वो यहाँ पे आ रहे हैं चुनाव में, कह रहे हैं कि दमखम के साथ, वो तो उन्होंने तो ये कह दिया कि आईबी की रिपोर्ट आई है 95 सीट मेरी आ रही है, किस बिना पे कहे? केजरीवाल, अन्ना हजारे सब आरएसएस के लोग हैं, बीजेपी के एजेंट हैं, जहां बीजेपी डायरेक्टली कांग्रेस को हरा नहीं पाती उधर केजरीवाल को उतारते हैं। हम बरसों से इलेक्शन देखते हैं, ट्रायंगल जंग होता है, उधर बीजेपी को फायदा ही होता है। अच्छा, तो क्या ये वाली जो सीट है यहाँ पे भी ट्रायंगल फाइट मुझे देखने को मिल रहा है कि आम आदमी पार्टी ने भी अपना कैंडिडेट उतार दिया, भाजपा के पास तो है ही अपना कैंडिडेट, जिग्नेश मेवानी जी भी हैं, तो क्या इस सीट पे भी कोई फर्क पड़ने वाला है क्या? ये सीट है ना ऐसी अनामत सीट है, और पूरे गुजरात में नहीं पूरे इंडिया में जिग्नेश मेवानी जैसा दलित आगेवान दलित नेता कोई है नहीं, कोई पैदा होगा नहीं और कोई हुआ नहीं है। उसके सामने ये जो उतारा है ना एएमएम का बंदा, वो करप्ट पत्रकार है। अच्छा, करप्ट पत्रकार कैसा होता है भैया, थोड़ा मुझे बताइए। करप्ट पत्रकार ऐसे होते हैं किसी का कुछ गलत पकड़ना और उसको ब्लैकमेल करना, पूरी जिंदगी उसने वही धंधा किया है। अच्छा, एएमएम वाले उससे उसने कैंडिडेट है। अच्छा, फिर आम आदमी पार्टी का जो कैंडिडेट है मैडम, वो भी लोगों के कोई काम नहीं किए, आज ही रातों रात आ गया और चुनाव में बीजेपी के पैसे लेके खड़ा हो गया। अच्छा, मतलब आप ये ऑन कैमरा बोल रहे हैं, आप यहाँ के रहने वाले, क्या ऐसा सच में हुआ है क्या कि बीजेपी का पैसा लेके आम आदमी पार्टी के कैंडिडेट ने खड़ा हुआ है, ऐसा सच में हुआ है क्या? हमने तो ऐसा भी देखा है कि एएमआईएम की मीटिंग थी यहाँ पे, जब उनके चीफ आए हुए थे यहाँ पे, छापी में चीफ आए हुए थे, तो बीजेपी के नेता ने फोन कर करके लोगों को एएमआईएम की मीटिंग में जाने को भी बोला है, मुस्लिम ऐसा सच में हुआ है? बिल्कुल हुआ है। अच्छा। जी, कौन से नेता आए थे? असदुद्दीन ओवैसी आए थे ना। तो उनकी जब फर्स्ट मीटिंग थी यहाँ पे, छापी में फर्स्ट मीटिंग थी, तब बीजेपी के नेता ने ही फोन कर करके मुस्लिम को वहाँ पे भेजा था, क्या क्या वहाँ के वोट डिवीजन हो जाए। आप गए थे क्या उस वाली मीटिंग में जो वैसी जी का, वैसी जी, तो ये पता कहाँ से चली बात, पता कहाँ से? जब हम उनको मानते ही नहीं है, क्योंकि हमारा भी सर्कल उतना बड़ा है, ठीक है, कोई ना कोई तो बोलता रहता है ना, सब रिलेटेड है हम लोग के साथ। मतलब किसी ने आपको आके बताया कि ऐसा हुआ है ओवैसी जी की भीड़ में भाजपा वाले फोन करके बुला रहे थे? जी बिल्कुल, लोग तो सुनने जाएंगे ना, अभी कोई भी क्राउड है तो लोग सुनने देखने तो जाएंगे एटलीस्ट, ठीक है, तो उनमें से जिसको फोन आया है, जिसको बिलोंगिंग हुआ है, वो भी बोलते रहते हैं, ठीक है। तो एंटी इनकम वैसी है, जैसे ओवैसी जी पे सवाल पूछ लेती हूँ, उसके बाद ओवैसी जी पे सवाल पूछ लेती हूँ मैं, पहले अपना नाम बताइए आप। कल्बे अब्बास। अच्छा, कल्बे अब्बास जी, आपने कहा कि ओवैसी जी की मीटिंग हुई थी, ये आपने बहुत ही बड़ा वो जो है बात बोली है कैमरे पे, मैं इसको चलाऊंगी भी, आपने कहा कि ओवैसी जी की मीटिंग हुई, भाजपा वालों ने फोन करके बुलाया, तो मुसलमानों का तो बहुत बड़ा नेता कहते हैं ओवैसी जी की, हम तो बहुत बड़े नेता हैं। जी मैडम, वो उनके अपने आप में बोलते हैं कि मैं मुसलमानों का नेता हूँ, ठीक है, अगर वो नेता होते तो तेलंगाना में, जहाँ वो तेलंगाना में, एक मिनट भाई, तेलंगाना में जहाँ से वो इलेक्शन लड़ते हैं वहाँ पे 7 सीट पे ही क्यों लड़ते हैं, ठीक है, यहाँ पे उन्होंने 70-60 सीट्स उन्होंने रिजर्व रखी है, यहाँ पे इलेक्शन लड़ते हैं, ठीक है, तो वहाँ पे 7 पे ही क्यों? भैया जनता बहुत बड़ा सवाल पूछ रही है, आप 7 सीट पे ही क्यों सब चुनाव लड़ते हैं?
ठीक है, वहाँ पे तेलंगाना में मुस्लिम मेजोरिटी ज्यादा है, तो वहाँ पे चीफ मिनिस्टर क्यों नहीं बनते हो? ठीक है, यहाँ पे लोगों को गुमराह करने के लिए, लोगों को इधर उधर की बातें करने के लिए, ठीक है, वन साइडेड मुस्लिम एक साइड करने के लिए आते हैं वो। ठीक है, यहाँ पे यूनाइटेड है, यूनिटी है और डाइवर्सिटी है। ठीक है, तो उसको बिगाड़ने का, माहौल बिगाड़ने का यहाँ पे काम नहीं चलेगा। और वड़गाम में सिर्फ जिग्नेश मेवाणी ही चलेगा, क्योंकि वो यहाँ पे काम भी करते हैं, लोगों के बीच में भी रहते हैं, लोगों के लिए आवाज़ भी उठाते हैं। चाहे आप बिल्किस बानू का लो या शाहीन बाग का लो, ठीक है, वो लोगों के लिए आवाज़ बनते हैं और हमारे लिए वही नेता है। ये तो हो गई, आपने ओवैसी जी पे ये बात कह दी है। अब केजरीवाल जी पे आती हूँ मैं, तो केजरीवाल जी को क्या कहेंगे? जैसा मैंने उनसे कहा, दिल्ली गए घूमने? जी बिल्कुल, बहुत कैसा लगता है दिल्ली में जाकर? अभी अगर मान लीजिए आप दिल्ली में गए हो 5 दिनों पर दिवाली के जज्बात, तो कैसा लगा था दिल्ली में? देखो, दिल्ली में कुछ पहले से कुछ ज़्यादा कुछ है नहीं। ठीक है, अभी जहाँ पे हम लोग वोटिंग करने जाते हैं ना, वो भी कांग्रेस की देन है, कोई केजरीवाल ने तो बनाया नहीं है ये मॉडल। ठीक है, उन्होंने तो 20 स्कूल बनाई होगी, छत्तीसगढ़ का क्यों नहीं बताते? छत्तीसगढ़ में भी बहुत सारी स्कूल्स नहीं बनाई हुई है। ठीक है, उसका भी प्रमोशन करो। इन लोग सिर्फ सोशल मीडिया पे चलाते हैं, सोशल मीडिया पे अपने आप को प्रमोट करते हैं और लोगों को आईबी रिपोर्ट बोलते हैं। कौन से आईबी ने इनको रिपोर्ट दिया है कि 95 सीट आ रही है गुजरात? लेकिन कौन से आईबी ने इनको रिपोर्ट दिया है कि भाई ये सरकार बना रहे? कौन सी सरकार बना रहे? वड़गाम में तो जीत के बताए, वड़गाम में उनका कुछ नहीं होने वाला। चुनौती वड़गाम से? मैं कानोदर है, बाजू में गाँव है। ठीक है, उनके कार्यालय बताता हूँ मैं, वहाँ पे है ना चील कौवे के अलावा कोई नहीं है। आम आदमी पार्टी के ऑफिस में चील कौवे के अलावा कोई भी नहीं? बिल्कुल, अभी आपको लाइव बता सकता हूँ, कैमरा चालू रखिए, चले उनके पार्टी पे। जो केजरीवाल कहते हैं कि स्कूल ला देंगे, हॉस्पिटल ला देंगे, आप लोगों को नहीं चाहिए? गुजरात में है ही नहीं क्या? कांग्रेस में है ही नहीं है, कांग्रेस ने जो बनाया वही है। ठीक है, बहुत सारी स्कूल्स है, गवर्नमेंट स्कूल्स है, जहाँ लोग इलेक्शन करते हैं, वोटिंग करते हैं, जहाँ अभी बीजेपी की 27 साल से सरकार है ना, वहाँ पे भी कांग्रेस की बनाई हुई स्कूल्स में ही वोटिंग करते हैं लोग। और हॉस्पिटल जो सिविल हॉस्पिटल है वो भी कांग्रेस की बनाई हुई है, उसमें ही लोग ट्रीटमेंट अभी तक दे रहे हैं। अगर यहाँ पे मान लीजिए केजरीवाल आ रहे हैं, दमखम के साथ चुनाव लड़ रहे हैं, तो यहाँ पे किसको लगता है कि घाटा होने वाला, अगर केजरीवाल जी इतना दमखम के साथ लड़ रहे हैं तो? क्योंकि माना ये जा रहा है, भैया देखो मैं नहीं बोल रही हूँ, लोगों से बात करती हूँ वो समझ में आता है, इन्होंने भी बोला तो वो समझ में आया, कि ऐसा लगता है कि कांग्रेस और आपके केजरीवाल ये ऐसे माँ के बेटे हैं कि जिनमें वोटों का हिस्सेदारी बंटवारा आधा आधा हो रहा है, पटीदार हो गए। लुक, फर्स्ट ऑफ ऑल आई वुड लाइक टू क्लियर दैट केजरीवाल इज अ बी टीम ऑफ बीजेपी। जहाँ जहाँ बीजेपी नहीं हो सकती वहाँ केजरीवाल आएगा, वोट का बंटवारा करेगा, सीधा सीधा डायरेक्टली वो फायदा कराएगा बीजेपी को, चाहे वो इनडायरेक्टली लोगों को अलग अलग बातें करके अलग अलग स्कीम की दे के वो बताएगा, लेकिन उससे ज़्यादा कुछ नहीं है। ठीक है, अगर उनके वो बोल रहे हैं कि हम ये लाएंगे, वो लाएंगे, ये देंगे, वो देंगे, यहाँ पे कोई पब्लिक कोई कटोरा लेके तो बैठी नहीं है। ठीक है, वो अपने आप से अभी तक गुजरान कर रही है, तो आगे भी करेगी, ज़रूरत नहीं है केजरीवाल जी की, केजरीवाल जी की कोई ज़रूरत नहीं है। इसी बी टीम को हम लोग फॉलो भी नहीं करते और फॉलो करने भी नहीं देंगे। ठीक है। अच्छा एक बात बताइए, भाजपा में ऐसा क्या जादू है? ओवैसी जी भी बी टीम, केजरीवाल जी भी बी टीम, इतनी सारी टीमें कैसे भाजपा जो है बना ले? मैडम देखो, पहले अपक्ष पहले है ना, वो लोग पहले ये लोग इंडिपेंडेंट कैंडिडेट को खड़ा करते थे। ठीक है, अभी इंडिपेंडेंट कैंडिडेट में उतना ज़्यादा कुछ हौसला वगैरह है नहीं, तो इन लोग ने एक नई नई पार्टी बनाई जो कि बोलेंगे यहाँ पे हम लोग कमज़ोर है, तो आप वहाँ पे जाके अपने कैंडिडेट उतारो, वोटों का बंटवारा करो, डिफरेंट टाइप्स की स्कीम दो, डिफरेंट टाइप्स की आप लोग एक्सक्यूजेस दो लोगों को, तब जाके इन लोग ने वोट का बंटवारा किया है, तब जाके कांग्रेस को नुकसान है। अदरवाइज बीजेपी और कांग्रेस सेम विकास के मुद्दे पे हो या फिर लोगों को जो तकलीफ है। मेरा ये सवाल था कि जैसे बी टीम हुआ ना, कि आपने कहा कि केजरीवाल भी बी टीम, ओवैसी भी बी टीम, तो भाजपा में ऐसा क्या जादू है कि मतलब बी टीम जो है अपनी खड़ी कर रही है, तैयार कर रही है? मनी पावर से ज्यादा कोई पावर नहीं है, पैसों का पावर है, रोकड़ा, रोकड़ी का पावर है ना मैडम। अभी मेरे पास पैसे होंगे तो मैं भी खड़ा। कांग्रेस के पास रोकड़ा नहीं है? कांग्रेस के पास होता तो अभी तक यह सरकार नहीं होता। कांग्रेस के पास रोकड़ा नहीं है? कांग्रेस ने तो जो है हिंदुस्तानियों को लूटा नहीं है, और भाजपा ने लूट के जमा किया है, और इसी के लिए अभी जो है दे रहे सब। मैडम कांग्रेस के पास है ना पैसा? ये जो गवर्नमेंट स्कूल है,
जो कॉलेजेस है गवर्नमेंट, जो हॉस्पिटल्स है, जो अभी तक के फैसिलिटीज है, IIM है, JNU है, ये सब कांग्रेस की देन है, तो कांग्रेस के ही पैसे है ना मैडम। और जो बेच रहे अभी, चाहे बेल बेच रहे हो, चाहे एयरपोर्ट बेच रहे हो, वो सब कांग्रेस की देन है। एक और बात बताइए, जैसा भाजपा ने भी जो मतलब केजरीवाल जी ने तो अपना मुख्यमंत्री का चेहरा भी कर दिया, ऐलान कर दिया, कांग्रेस क्यों पीछे रह गई भैया, काहे नहीं मुख्यमंत्री? मैडम कांग्रेस का ऐसा है ना, वो बिलीव करती है लोकशाही में, ठीक है, ऐसा कि अगर अनाउंस करे तो पार्टी में लड़ाई हो जाएगी? मैडम ऐसा भी नहीं है ना, वो लोकशाही में बिलीव करती है, बाद में इलेक्टेड में डिसाइड करेंगे कि किसको CM बनाना है। ये लोग तो तानाशाही पे है। अभी अगर अनाउंस कर दें तो क्या लगता है, आपस में गुटबाजी नहीं?